साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना, मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ है हमारे छोटे उद्यमी और व्यापारी, हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर। हमारी सरकार एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है। इसी तरह पीएलआई स्कीम का उदाहरण भी हमारे सामने है, इसके परिणाम भी देश देख रहा है। भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। ऑटोमोबाइल और बैटरी के क्षेत्र में भी पीएलआई स्कीम के इसी तरह उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। जब देश में इतने बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एमएसएमई का एक नया इकोसिस्टम खड़ा होगा। एमएसएमई को कई क्षेत्रों में नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए अवसर पैदा होंगे। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिर्फ रक्षा मंत्रालय का। देखिए, रक्षा मंत्रालय आज उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रहा है। इस बजट में हमने 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट, जो कुछ भी खरीदी करनी है, घरेलू खरीद के लिए निर्धारित किया है। इस बजट में से यहीं से लेना पड़ेगा। हर साल हजारों करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण देश के भीतर से ही खरीदे जाएंगे। मैं वोकल फॉर लोकल जो बात करता हूं ना, वो यहां भी ले आए हैं हम। इससे हमारी हजारों एमएसएमई को ही सबसे ज्यादा फायदा होगा।